disability of deaf. Okay, disability of hearing impairment. Do you want to see the story of Evelyn Glennie? Evelyn Glennie क्या होती है? Deaf होती है. Gradually उसकी जो hearing power होती है वो क्या हो जाती है? चली जाती है. और फर्स्टली तो वो क्या करती है? कंसील करती है. कंसील मतलब छुपाती है अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से और फैमिली से. बट जब प्रोफाउंडली वो डीप हो जाती है, कम्प्लीटली वो डीप हो जाती है, तो उसके टीचर्स क्या करते हैं? नोटिस करते हैं. उसके मार्क्स जो है स्टडी में क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो जो हेडमास्टर होते हैं स्कूल के, वो पेरेंट्स को क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ. जब वो स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो उनके सामने जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो उनको सुनने को मिल रहा है कि इवलिन ग्लेनी क्या हो चुकी है? डीप हो चुकी है. बट इवलिन ग्लेनी का एक फॉन्ड था, शी हैज अ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. उसको क्या था? म्यूजिक का बहुत शौक था, वो इंटरेस्ट रखती थी म्यूजिक में. और वो क्या थी? शी डिटरमाइंड गर्ल. वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड गर्ल थी. और उसने सोचा कि जो ये डिसेबिलिटी है मेरी, वो कभी मेरे से में नहीं आएगी. उसने अपना जो इंटरेस्ट था वो नहीं छोड़ा. Do you understand? Yes, ma'am. इंटरेस्ट किसका था? म्यूजिक का. वो फिर भी सोच रही थी कि मैंने क्या करना है, म्यूजिक सीखना है. ठीक है. और एट द एंड बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन जाती है. Do you understand? Yes, ma'am. Now we will start next part of the story. To your ears, he would say, try to sense it some other way, says Evelyn suddenly. Suddenly he realized I could feel the higher ground from the waist up and the lower one from the waist down. यहाँ पे जो टीचर है, कौन से टीचर है? एक टीचर का सर, कुछ टीचर उसको क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं कि तुम तो डीप हो, तुम क्या सीखोगे. बट उसमें एक सर, ये क्या होते हैं? रोप जो फोक्स होते हैं. फोक्स सर क्या कहते हैं इनसे कि जो म्यूजिक है उनको अपने डोंट लिसन थ्रू हिज ईयर्स, अपने ईयर से नहीं सुनना है और म्यूजिक को क्या करना है? फील करना है. इवलिन सेज सडनली, वो रियलाइज करती है, वो कहती है उसने जो हायर ड्रम नोट्स हैं, ड्रम जो बज रहा है, तो उसने हायर ड्रम वेस्ट के अप, हमारी वेस्ट ये होती है ना, वेस्ट के अपर पार्ट को क्या करती है? हायर ड्रम फील करती है. वेस्ट के डाउन को कौन सा करती है? लोअर म्यूजिक फील करती है. अंडरस्टैंड? जब जब बीट हो रहा है. नेक्स्ट, फोर रिपीटेड एक्सरसाइज. और फोर ने जो ये एक्सरसाइज थी ड्रम बीट करने की, उसने कंटिन्यू रखी. And soon Evelyn different discovered that she could sense certain notes. Evelyn ने क्या किया? Find किया. Evelyn ने discover किया कि बहुत सारे notes, certain notes क्या हो गए हैं? उसने सीख ली है. She could sense, feel कर सकती है. Different notes, part of her body, अपनी body पर बहुत सारे notes क्या कर सकती है? Feel कर सकती है. Notes, sound of music feel कर सकती है अपनी body पे. Understand? Next, I had learned to open my mind and body to sound and vibrate. The rest was sheer determination and hard work. उसने कहा कि वो उसने सीख लिया है open my mind. उसका जो mind है उसे open करना सीख लिया है. Means music को sense करना सीख लिया है on her body. और rest was sheer. अब join किया था उसने. She was 16. जब वो 16 थी, 16 की थी. She had decided to make music her life. 16 year की age में उसने decide कर लिया था कि उसने क्या बनना है? Musician बनना है. और उसका जो audition था किस academy में? Royal Academy of Music. Scored one of the highest marks in the history of academy. One of the marks मतलब उसने बहुत ज़्यादा marks get किए थे. जो audition क्या होता है? जब हम एक छोटा सा performance करते हैं, whether it is good or not, judge होता है ना? ठीक है, ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी के अंदर म्यूजिक का. और उसने बहुत अच्छे स्कोर किए थे हिस्ट्री में. किसी ने इतने अच्छे स्कोर नहीं किए थे जितने इसने किए थे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो वर्क. स्लोली उसने क्या स्टार्ट कर दिया? ग्रेजुअली मतलब स्लोली उसने क्या स्टार्ट कर दिया था? ऑर्केस्ट्रा वर्क करना स्टार्ट कर दिया. सोलो परफॉर्मेंस उसने अकेले, सोलो मीन सिंगल, अकेले परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया था इन द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन. अंडरस्टैंड? यस मैम. यस, एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स. अब यहाँ पे रॉयल एकेडमी में 3-3 साल का कोर्स था. उसके एंड में क्या होता है? शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. उसने क्या कर लिया था? गेट कर लिया था मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. जो जितने भी टॉप अवार्ड है वो सारे किसने गेट किए थे? इवलिन ग्लेनी.
हीरोइक अचीवमेंट मींस, और इतने सारे अवार्ड गेट करने के बाद भी उसके अंदर वो नहीं आया कि आई एम द बेस्ट। वो अपने आप को शो नहीं करती थी कि मैं क्या हूँ, बेस्ट हूँ, हीरोइक अचीवमेंट्स नहीं दिखाती थी वो। इफ यू वर्क हार्ड, वो क्या कहती थी, अगर आप हार मत करते हो, नो वेयर यू आर गोइंग, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपके आपको पता है कि आपका गोल क्या है, यू विल गेट देयर। तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, अंडरस्टैंड। अगर आपको पहले से ही डिसाइड है कि आपने बनना क्या है, आपका डिटरमिनेशन क्या है, आप उस लाइन में जस्ट हार्ड वर्क करो, आप वहां जरूर पहुंचोगे। यू विल गेट देयर, उसके लिए हार्ड वर्क करो। शी गॉट राइट टू द टॉप वर्ल्ड मोस्ट साइट आफ्टर मल्टी परफ्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हीरोइन इंटरनेशनल शेड्यूल। यह उसने वर्ल्ड में सबसे टॉप पोजीशन गेट की थी, और जो मल्टी परफ्यूशनिस्ट जो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बहुत सारे, उसने थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखी थी, वो सब सबसे क्या थी, एक्शन पे थी, सबसे टॉप पे थी।